नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आप सबका बहुत स्वागत है। और अभी मैं यहाँ दीप आइन में खड़ी हूँ। यहाँ स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है। यहाँ बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं स्वच्छता को आगे बढ़ाने के, लेकिन ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी किसी को पता नहीं है, लोग जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर जितने भी ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, आइए उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है कि पटना जो है विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में आता है, अभी रिपोर्ट में भी आया है सर, और प्रदूषण का स्तर जो है हमेशा बढ़ते ही जा रहा है, वो घटने का कोई नाम नहीं ले रहा है सर। सर, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है सर, क्यों बढ़ रहा है प्रदूषण? हम लोगों में जो अवेयरनेस है उसको, उसकी बहुत कमी है। और हम लोगों को मतलब जब तक हम लोग के अंदर से नहीं आएगी स्वच्छता का बात, तब तक हम लोग सरकार चाहे जितना भी हम इसको आगे बढ़ाए, तब तक वो सक्सेसफुल नहीं होगा। सर, ऐसे बहुत सारे अभी तक ये शुरू हुए हैं, प्लास्टिक पोल्यूशन शुरू हुआ, फिर स्वच्छता अभियान शुरू हुआ, लेकिन कुछ भी ज़्यादा दिन तक चला नहीं। ना तो स्वच्छता अभियान ज़्यादा दिन तक चला, कुछ दिन तक चला, लेकिन उसके बाद भी लोग वैसे ही गंदगी फैलाने लगे। प्लास्टिक बैन हुआ, लेकिन अभी भी लोग प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं। तो सर, इस ये कोई भी जो शुरू होता है उसके सफलता नहीं होने का इसमें क्या कारण सर, क्यों नहीं सफल हो पा रहे? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह हम लोग खुद हैं, खास करके जो यूथ जनरेशन है। इसमें हम लोग जब भी बाज़ार में निकलते हैं तो इससे ये रहते हैं कि थोड़ा सा जो आज का जनरेशन हो गया है मॉडर्न, जिसको हम लोग कहते हैं, घर से अगर कहाँ भी जाए झोला लेके निकलने के लिए तो हम लोग उसका यूज़ नहीं करते हैं। नहीं नहीं मम्मी ले आएंगे ना, और जा करके जहाँ पे हम लोग कुछ भी परचेज करते हैं तो उनको फोर्स करते हैं कि कैरी बैग चाहिए। तो कैरी बैग जो प्रचलन पहले चला आ रहा था पॉलीथीन बैग का, अभी उसको जब बैन हुआ है बिहार में या फिर कहीं और भी, तो धीरे धीरे प्रचलन में आ रहा है, लेकिन उसका कॉस्टिंग ज़्यादा है। अब सपोज कीजिए कोई सब्जी वाले या गोलगप्पा वाले से अगर हम लोग ये कैरी बैग का एक्सपेक्टेशन करते हैं, तो उससे अच्छा है कि शायद अगर हमें कुछ लेना है तो हम क्यों ना खुद एक पॉकेट में लेकर के निकलें। या जो कहते हैं कि आज स्वच्छता पखवाड़ा है, झाड़ू लेके उतरते हैं, क्या वो अपने घर में बस फोटो खिंचाते हैं बाहर मीडिया में आने के लिए? क्या वो अपने घर में खुद स्वच्छता रखते हैं? मेरा आपसे सवाल है कि नहीं ऐसा करना चाहिए, तो सर क्या आप खुद या आपके आसपास लोगों के जो लोग हैं, आप खुद इस बात का को लाते हैं अपने जहन में जब आप बाहर जाते हैं? तो क्या आप प्लास्टिक के पॉलीथिन को नहीं यूज़ करने के लिए जब जूट का बैग या कपड़े का बैग साथ लेकर जाते हैं हर वक्त? जी बिल्कुल। सर, आपका टॉपिक ई वेस्ट पर भी है, और मैंने सुना सर कि आपने कहा कि ई वेस्ट को मैनेज करने का आपने तरीका बताया सर, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, क्योंकि फ़ोन आजकल सभी के हाथ में होता है, गरीब से जाति के वर्ग लोग के भी हाथ में फ़ोन होता है, तो सर उनको कैसे ई वेस्ट मैनेज करेंगे सर, आप उनको कुछ बताएं? देखिए, वेस्ट मैनेजमेंट का जहाँ तक प्रश्न है, सुमन जी ने बताया कि जो भी आप कानून लाते हैं, सरकार लाती है, उसका पालन नहीं होता है। कारण यह है कि मैं खास करके बिहार की बात कर रहा हूँ, यहाँ के जो अधिकतर लोगों की 99% लोगों की जो मेंटेलिटी है, हम लोग लॉ अवॉइडिंग नेचर के नहीं हैं, हम लोग कानून को तोड़ने में प्लेजर महसूस करते हैं। पहली बात तो यह है। दूसरी बात कि जहाँ तक अभी जो प्लास्टिक का बैन हुआ और अभी फिर भी प्लास्टिक यूज़ में है, सुमन जी ने ठीक कहा और हमने भी कहा था कि हमें अपनी मानसिकता को बदलनी होगी, और मानसिकता बदलने के लिए कोई हमें कोई बाहर से कोई गुरु नहीं आएगा, अपने ईगो को हमें सेटिस्फाई करना होगा। तो कोई भी जितने भी कानून आ जाएं, वो कानून या वो कोई प्रोग्राम या मिशन तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक नागरिक स्वयं अपने को नहीं बदलेगा। दूसरी बात, जहाँ तक ई वेस्ट की बात आपने की, निश्चित रूप से मोबाइल का प्रचार अब गांव-गांव में है, घर घर में है, इस तरह के जागरूकता अभियान से ही ई वेस्ट का प्रबंधन हम लोग करेंगे, और करने का यही सरकार का लक्ष्य भी है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि इस तरह के जो वेस्ट हैं उसको कहाँ कहाँ हम कैसे इकट्ठा करें, सरकार के द्वारा उसके लिए क्या प्रबंधन किया जा रहा है, उसके बारे में जानकारी हो। क्योंकि बहुत सारी योजनाएँ हैं जिसकी कि प्रत्येक व्यक्ति को, खास करके जो रिमोट एरिया में है, सरकार की योजनाओं की उनको जानकारी ही नहीं है कि सरकार की क्या योजना है, सरकार ने इस कचड़े के प्रबंधन के लिए क्या क्या उपाय कर रखे हैं, किसी को कोई जानकारी नहीं है। तो इस तरह के जागरूकता अभियान से, इस तरह के कार्यशाला से, इस तरह के सेमिनार के माध्यम से ही जब तक हम जानकारी नहीं पहुँचाएंगे
तब तक इस प्रबंधन को हम लोग सफल नहीं बना सकते। आपके हिसाब से ये प्रदूषण को कम करने के लिए प्रति व्यक्ति को कितना पेड़ लगाना चाहिए? हर इंसान, जितना भी पॉपुलेशन है पटना का या कह लीजिए बिहार का, प्रति व्यक्ति को कितना पेड़ लगाना चाहिए कि ये प्रदूषण का स्तर थोड़ा भी गिर जाएगा? पेड़ लगाने से पॉल्यूशन का स्तर गिरेगा, उसका प्रभाव कम होगा। पॉल्यूशन का स्तर गिरेगा नहीं, उसका प्रभाव इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा कम होगा। विशेष आवश्यकता है कि पॉल्यूशन को कैसे कम किया जाए और साथ साथ पेड़ भी लगावें, तो वो आपको जो है समाज को ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा। ये नहीं, पेड़ इसलिए नहीं लगाया जाता है कि हम खूब पॉल्यूशन करें और पेड़ लगा करके उसको हम कम कर दें, ऐसा नहीं होता है। एक आखिरी सवाल है मेरा सर, अभी जैसे मैं पुणे गई थी और सर बहुत जगह मैंने देखा है कि वेस्ट डिस्पोजेबल जो मैनेजमेंट है इतना अच्छा है सर, वहाँ पे गीला कचरा और सूखा कचरा अलग फेंका जाता है। सर पटना में ऐसा कोई नियम नहीं है और अगर है भी तो लोग उसको मानते नहीं है सर, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? आपने यदि हमारे स्पीच को सुना होगा तो मैंने उसमें भी आपको बोला कि बेंगलोर में ही हमने देखा कि 3 प्रकार के कचरे हाउसवाइफ्स अपने घर से निकालते हैं अलग अलग थैली में, और फिर अलग अलग डिब्बे में वो डाला जाता है, और फिर जो मेन नगर निगम का कचरा का ट्रक आता है उसमें भी अलग अलग खोली में उसको डाला जाता है। अभी ये यहाँ देखिए कोई चीज़ अभी शुरुआत हुआ है कचरा गाड़ी चलाने का, ये अपने आप में बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा पहल है लोगों के बीच में। एक धीरे धीरे उसमें सुधार होगा, कोई भी चीज़ एकदम से 180 डिग्री से तो बदल नहीं सकता है, धीरे धीरे उसमें सुधार होगा, और ऐसा मेरा मानना है कि जो सुधार होगा ही होगा क्योंकि जनता के बीच में जागरूकता बढ़ रही है। जैसे पेड़ लगाने का एक कानून बनाया हमारे मुख्यमंत्री साहब ने, तो डिपार्टमेंट ने पेड़ लगाया, बहुत पेड़ लगाया, और उन्होंने लगाया फलदार पेड़ का, ये दीघा मालदा, और जानती हो कि वो पेड़ का लगाने का उसका डेप्थ क्या था? 1 फीट। 1 फीट कोड़ के अगर आप मालदा दीघा का पेड़ लगा रहे हैं तो वो पेड़ कभी लग रहा नहीं है। उन्होंने ऑर्डर दिया, डिपार्टमेंट ने उसको पूरा किया, पैसा करोड़ों खर्च हुआ और नतीजा पेड़ नहीं। और जितने भी हाई वायर्स हैं आपके इंडस्ट्रियल स्टेट में, घूम जाओ कैमरा लेके नीचे से, वो पेड़ अगर 3 साल बड़ा हो गया जो बच गया तो वो जाके पेड़ में हाई टेंशन वायर में जाके सटेगा उसके बाद। तो राजा ने कहा, प्रजा ने उसको पूरा किया, हम लोगों ने देखा, और यही चीज़ है। तो लॉ बनते हैं उसको हम लोग कागज़ पर जरूर पूरा कर देते हैं, जैसे अभी सुमन ने कहा फोटो खिंचवा के झाड़ू देना, नेता लोग सब करते हैं, होता क्या है उसके बाद? तो मेरे ख्याल से जैसे सर ने कहा कि अपना ये करना पड़ेगा, मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में एक लॉ बनना चाहिए, एवरीबॉडी शुड गो इन फॉर मिलिट्री ट्रेनिंग फॉर 3 मिनिमम ईयर्स, कि वो राष्ट्रवाद के तरफ वो पैट्रियटिज्म वो समझे और वो क्या करना है, कैसे रहना है, वो कुछ नियम से रहे। मेरे ख्याल से दैट इज अ मस्ट। और नीम बहुत स्वास्थ्य के लिए अच्छा चीज़ है, तो नीम के पेड़ के प्लांटेशन के ऊपर जोर मारा जाए, तुलसी का पौधा लगाया जाए जम करके, वो खाली ऑक्सीजन देता है 24 घंटा, ये पता है आपको, तुलसी 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। तो इस प्रकार का पौधा नीम का पेड़, इसके ऊपर यदि हम लोग ज़्यादा जाएंगे तो बीमारी उमारी भी कम हो जाएगा। पुराने समय में या अभी भी किसी को मिजिल्स हो जाता है तो नीम के पत्ता से हवा उसको दिया जाता है, क्यों सुमन जी? मिजिल्स होने पे नीम के पत्ता का हवा दिया जाता है पंखा बना करके। तो आप इसी से समझ लीजिए कि नीम का पत्ता कितना वातावरण को प्यूरीफाई करता है। तो कौन सा पेड़ लगावें, कैसे लगावें, उसका टेक्नोलॉजी क्या है, हर चीज़ की जानकारी होना चाहिए। सीधे पेड़ लगाओ और पता चला कि सब पेड़ सूख गया तो कोई फायदा नहीं है, हर जगह एक्सपर्टाइज की आवश्यकता है। जी सर, जितने अवेयरनेस प्रोग्राम सरकार के आते हैं, व्हाट इज़ योर रोल कि आप पब्लिक में कैसे पहुंचाते हैं? आप एडवर्टाइजमेंट तो हर 2 मिनट में दिखाते रहते हैं जिससे आपको पैसा मिलता है, अगर इसमें भी पैसा मिले तो आप भी उसको अवेयरनेस प्रोग्राम को दिखाएंगे बराबर? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर, अगर हमारे चैनल को पैसा दिया जाए या ना दिया जाए, सर अभी मैं खुद अभी 2 प्रोग्राम्स ऐसे बना चुकी हूँ,
डॉक्यूमेंट पे अभी बन रहा है सर, एक बन चुका है, अपलोड हो जाएगा सर, जिसमें कि हमें कोई पैसा नहीं मिला है, वो हमने खुद जाके रिसर्च करके बनाया सर। तो बाकी चैनल का तो हमें नहीं पता, बाकी न्यूज़ चैनल क्या करते नहीं पता, बट पर्टिकुलरली हमारे न्यूज़ चैनल को पैसा मिले ना मिले, पर्यावरण को आगे बढ़ावा देने का और आगे बढ़ाने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं सर। इनफैक्ट आज भी इस सेमिनार में आए तो हमें कोई पैसा नहीं मिल रहा है, हमने कुछ किसी से हमने बोला नहीं गया, हम खुद अपने मन से आए और इसको इसीलिए शूट करने आए ताकि हमें लोगों को दिखाने का मौका मिले कि किस तरह से यहाँ पे कार्य हो रहा है और आगे लोग इससे आगे ये बढ़ें आगे और समझें कि प्रदूषण को कम करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये धरती उन्हीं की है, हमारी धरती है। अभी हम लोग नहीं जागेंगे तो आगे बहुत प्रॉब्लम होगा और देर हो जाएगी तो फिर कुछ किया नहीं जा सकेगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं शाम इजाजत लेती, धन्यवाद। यहाँ पढ़ती है भविष्य की मजबूत नींव, हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए। NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा बेटा पटना।